डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे DPP 12 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 देखो, प्रेशर वॉल्यूम है PNV, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर 10% बढ़ाए एंड देन 10% कम किए, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। V प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो V1 इक्वल टू पहले 10% क्या क्या इंक्रीज, तो प्रेशर 1.1 टाइम्स, फिर V2 क्या हो जाएगा 10% कम कर दिए तो 0.9 टाइम्स, मतलब 0.9 इंटू 1.1 टाइम्स, मतलब कितना हो गया ये 0.99 टाइम्स, मतलब ज़्यादा हो गया ना। V2 0.99 V0 ओरिजिनल, सो ज़्यादा बढ़ गया। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, मास ऑफ आइडियल गैस है साइक्लिक प्रोसेस इन द ग्राफ, कूलेस्ट एंड हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा जो एक्सिस में ओरिजिन से दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो इस ये हुआ कूलेस्ट, इधर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो एक 4 पे है, यहाँ का PV 4 हुआ, यहाँ का PV 5 हुआ, तो ये कूलेस्ट और ये हॉटेस्ट, Y ज़्यादा हुआ और Z कम हुआ। क्वेश्चन 3 में आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, उसको PT डायग्राम में कैसा बनाएंगे, तो देखो सिंपल है, PV दे रखा है, उसको PT में बदलना है। A से B में कांस्टेंट प्रेशर है तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे भी B से C कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कैसा होता कांस्टेंट वॉल्यूम, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन बना दिए। फिर सी से डी कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे ही चलेगा, और डी से कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इस तरह का ग्राफ जो भी बेस्ट होगा वो बना सकते। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, कह रहा है इसमें ग्राफ गिवन है और कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसमें ज़्यादा किसमें कम, तो देखो यहाँ से यहाँ हर जगह टेम्परेचर सेम, आइसोथर्मल है, इसमें भी हर जगह सेम, तो यहाँ से यहाँ जाओ तो टेम्परेचर वही चेंज होगा, यहाँ से यहाँ जाओ तो भी चेंज वही होगा, इसका T1 इसका T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो ΔU भी सेम होगा, यानी सभी के लिए सेम, आंसर कौन सा हो जाएगा C, क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आइडियल गैस है गामा दे रखा है, हीट ट्रांसफर डिक्रीज टू इंटरनल एनर्जी मोलर हीट कैपेसिटी, क्यू जो है -ΔU के इक्वल है, तो क्यू कितना होता NC ΔT और इसको -NCV ΔT, सो C इज -CV, CV का वैल्यू R/γ-1, इसका R/1-γ। देखो क्वेश्चन 6 में आते हैं, आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर दिए इसको TV power 1/5 है कि नहीं, तो TV power 1/5 है, इसको PV में बदलेंगे तो T के जगह PV/NR, तो ये PV 6/5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो X कितना हो गया इसका 6/5 के इक्वल है कि नहीं। और स्मॉलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, यहाँ Q = −ΔU लिखा है, मतलब C किसके इक्वल -CV के इक्वल है ना, और C = क्या लिखते हैं CV + R/1-X, CV का वैल्यू कितना लिखते R/γ-1 प्लस ये हो गया R/1-6/5 और ये किसके इक्वल है -CV के इक्वल, मतलब R/γ-1 का माइनस, ये इधर ले लो इसको इधर ले लो, R कैंसिल, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर ले लिए तो 2/γ-1 माइनस साइन, ये कितना आ जाएगा -5R, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, R कैंसिल कर चुके है कि नहीं, तो γ-1 इज इक्वल टू कितना 2/5, तो गामा इज इक्वल टू 7/5, कंप्रेसिबिलिटी क्या लिखते 1/γ-P है कि नहीं, कंप्रेसिबिलिटी तो 5/7P के इक्वल, करेक्ट है। क्वेश्चन 7 में आ जाओ, मिक्सर है 8 ग्राम हीलियम 14 ग्राम नाइट्रोजन, कांस्टेंट वॉल्यूम 300, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय मिक्सर टू डबल द
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी डबल करना है, ऐसे होता है ना आरएमएस, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, चार गुना। टेम्परेचर चार गुना करना है तो कह रहा हीट कितना लगेगा, वेसल है, वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्यू इक्वल टू एन सी वी वन डेल्टा टी प्लस एन सी वी टू डेल्टा टी। एक किसका लगाएंगे, हीलियम का और दूसरा नाइट्रोजन का। एन पता कर सकते, 8 ग्राम हीलियम मतलब 8 बाई चार दो मोल, 14 ग्राम नाइट्रोजन 14 बाई 28 हाफ मोल। 8 में आ जाए, देखो पी टी ग्राफ दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग पी वी डायग्राम पूछ रहा, तो 1 से 2 में वॉल्यूम कांस्टेंट, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, 3 से 4 वॉल्यूम कांस्टेंट, 4 से 1 प्रेशर कांस्टेंट, आसानी से पहचान सकते। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइक्लिक प्रोसेस है मोनोएटॉमिक गैस का, है कि नहीं, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब ए बी टू वर्क डन ड्यूरिंग बी सी, ए बी में कितना हीट एब्जॉर्ब किया और बी सी में कितना वर्क किया उसका रेशियो पूछ रहा। तो ए से बी में वी टी ग्राफ है मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट में क्या लिखते हैं एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी मोनोएटॉमिक है तो 5/2 आर डेल्टा टी, ए से बी गए कितना टेम्परेचर टी नॉट से 2T0, टी नॉट हो गया ये क्यू ए बी, और क्यू बी सी क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कंप्रेशन का केस है, वॉल्यूम कम हो रहा, एन आर टेम्परेचर 2T0 एल एन वी टू बाई वी वन 1/2 डब्ल्यू वर्क का कह रहा, वर्क ऑन द गैस है यानी कि जो पूछ रहा वर्क को इसका माइनस इसको प्लस करके लिख के उल्टा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, 9 हो गया, ये 9 ही था ना, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, 10 इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस इज गिवन, मोलर हीट कैपेसिटी, अब U इक्वल टू यू नॉट भी दे रखा, इसका मतलब U किसके पर डिपेंड करता है, T पे, T प्रोपोर्शनल टू V हो गया, T प्रोपोर्शनल टू V मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है डायटोमिक का लिख दो। क्वेश्चन नंबर 11, 2 मोल मोनोएटॉमिक है 1 मोल डायटोमिक है सेम टेम्परेचर पे, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम का, सिंपल N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2 आ जाएगा 12। मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस इज गिवन, प्रोसेस इक्वेशन पूछ रहा, तो C इक्वल टू क्या लिखते हैं, CV प्लस P बाई N dV बाई dt, यहाँ सवाल में दिया है CV प्लस R बाई गामा माइनस 1 मतलब CV हो गया, ये इसके बराबर है, प्लस अल्फा बाई T, तो P बाई N dV बाई dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई T, P को हटाना होगा, P को लिख दिए nRT बाई V और ये N dV बाई dt इज इक्वल टू अल्फा बाई T है ना, तो देखो N कैंसिल हो गया, T को इधर भेज दो, तो R dV बाई V इज इक्वल टू अल्फा dt बाई T स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो इक्वेशन बन जाएगी। 13 में आ जाओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा ये, लेकिन इधर लॉग में है इधर लॉग नहीं है। 100 जूल हीट इज गिवन टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू माइनस डब्ल्यू है, 100 और 150। 14 आ जाओ, फॉर एन आइडियल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन रेशियो ऑफ डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, तो डी पी बाई पी के किसके इक्वल, माइनस डी वी बाई वी, बस हो गया, आइडियाबेटिक होता तो गामा आ जाता। 15 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है फिक्स मास ऑफ गैस चेंज इन सच ए मैनर डैट गैस रिलीज 20 जूल ऑफ हीट एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, क्यू रिलीज कर रहा तो क्यू हो गया माइनस 20, वर्क डन ऑन द गैस तो डब्ल्यू इज माइनस 8, इनिशियल इंटरनल एनर्जी 30 है, फाइनल कितना आएगा, डेल्टा यू पता कर लो, डेल्टा यू कैसे लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये दे रखा, ये भी मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर
और गैस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, पी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। फार्मूला क्या होता है, पी प्रोपोर्शनल टू टी पावर गामा अपॉन वन माइनस गामा। तो ये इसके बराबर हो गया, गामा अपॉन वन माइनस गामा इक्वल टू थ्री, से गामा का वैल्यू आ जाएगा 17 आ जाओ। पॉलीएटॉमिक गैस है कंप्रेस टू 1/8 आइडियावेटिकली, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, न्यू प्रेशर पी प्रोपोर्शनल टू 1/V^γ, पी फाइनल। वॉल्यूम कितना कर दिए 1/8, गामा का वैल्यू कितना है 4/3, 3 मतलब इसका क्यूब रूट, तो 1/8 ऊपर आ जाएगा बाई 1, 4/3, 2^4, 2^4 कितने हो जाते 16 टाइम्स। 18 में आ जाओ, क्या कह रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3% इफ गामा 3/2, देन वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय नियरली। देखो क्या है, इस बार स्मॉलर टर्म है तो स्मॉलर परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज डेल्टा पी प्लस गामा, परसेंटेज डेल्टा भी इक्वल टू जो कांस्टेंट का 0, प्रेशर में चेंज कितना हुआ 2/3, गामा का वैल्यू 3/2, वॉल्यूम का पता करना है, लेकिन इससे आ जाएगा। 19, हीट इज सप्लाइड एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू में क्या रेशियो, क्या फार्मूला है, डेल्टा क्यू लिखो या क्यू लिखो एक ही चीज़ है, इसका रिलेशन होता है सीपी सीवी और आर, वैल्यू रखना है सीपी सीवी और आर, डायटोमिक गैस है उसका मालूम रहता है। क्वेश्चन 20 आ जाओ, गैस एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम बाय टू डिफरेंट, वन इज आइसोबैरिक अदर इज आइसोथर्मल, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू रिस्पेक्टिव वर्क डन है तो कितना। अब देखो आइसोबैरिक में है वॉल्यूम क्या किए डबल, तो कैसा आ जाएगा, आइसोबैरिक में वर्क डन यदि लिखे पी डेल्टा भी, तो पी नॉट प्रेस वॉल्यूम वी नॉट से टू वी नॉट, तो वी नॉट डब्ल्यू आइसोथर्मल में इनिशियल एनआरटी लिखो या पी भी लिखो, पी भी एल एन वी टू बाई वी वन ऐसा, तो ये डब्ल्यू पी बन जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, गैस एक्सपेंड कर रहा थ्री प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो सिंपल सा है, ग्राफ इस तरह से दे रखा ऐसा है कि नहीं, एक आइस ये कैसा है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, एडियाबेटिक कम होता है, तो कम होता है तो डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा। 22, रिलेशन यू पी वी में दे रखा है द गैस इज, अब U इज इक्वल टू दे रखा 2+3 PV, ये तो कांस्टेंट टर्म है उससे मतलब नहीं, डेल्टा U इक्वल टू 3 ΔPV ऐसा लिख सकते, लेकिन ये 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये लिखा कैसा करते F/2 ΔPV, तो F/2 3 के इक्वल हो गया, तो F हो गया 6, 6 मतलब कौन सा समझते हैं, पॉलीएटॉमिक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में, गिवन प्रोसेस आइडियल गैस है, डी डब्ल्यू जीरो है, डी क्यू नेगेटिव है, देन फॉर द गैस, अब देखो डी डब्ल्यू जीरो है तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू यू डेल्टा यू आएगा, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी कैसा होगा, नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, और वर्क डन जीरो मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। 24 में आ जाओ, 110 जनरेटेड टू गैसियस सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 40 अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिंपल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा यू, करेक्ट है। 25 में आ जाओ, गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू वॉल्यूम दिस वन, एनर्जी इतना एडेड द इंटरनल एनर्जी, अब देखो डब्ल्यू पता कर लो क्या है, पी डेल्टा भी, प्रेशर 50 है, वॉल्यूम 10 से 4 हो गया मतलब 6 ऊपर से नेगेटिव, और साथ में एनर्जी इज एडेड मतलब Q कितना इतना, तो डेल्टा U आ जाएगा Q माइनस W, सही है। आ जाओ 26 में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में डी डब्ल्यू जीरो तो Q इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी यू, करेक्ट है। 27 में आ जाओ, इन आइसोबैरिक प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर फॉर 0.1 mole ऑफ N2H3 वर्क डन बाय द गैस, आइसोबैरिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते, एन आर डेल्टा टी, एन भी दे रखा डेल्टा टी भी गिवन है आ जाएगा। आ जाओ 28 में, 28 में देखो ग्राफ दे रखा है
और पूछ रहा है मोस्ट प्रोबेबल कर्व फॉर द प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड वन इज कर्व फॉर आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक है एक आइसोथर्मल, ऐसा ग्राफ चल रहा। तो जहाँ इंटरसेक्ट करा वहाँ स्लोप इसका ज़्यादा, तो ये एडियाबेटिक हुआ और ये वाला आइसोथर्मल, करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन 2 मोल ऑफ गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाउंड टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय द गैस विल बी इक्वल टू। अब देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो क्यू कितना होता है जीरो, तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्क डन इज माइनस डेल्टा यू, डायरेक्ट लिख सकते। 30 में आ जाओ। प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस दे रखा चेंजेज फ्रॉम दिस वन, डेंसिटी का रेशियो दे रखा, प्रेशर का पता करना है। पी प्रोपोर्शनल टू रो पावर गामा, तो पी डैश बाई पी इज इक्वल टू रो डैश बाई रो पावर गामा एंड इट इज 32 पावर 7/5 आ जाएगा। 31 वन मोल ऑफ परफेक्ट गैस इनिशियली एट प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस वन एक्सपेंड आइसोथर्मली अंटिल वॉल्यूम इज डबल एंड देन एडियाबेटिकली वॉल्यूम इज अगेन डबल, पहले आइसोथर्मल डबल फिर वॉल्यूम एडियाबेटिक डबल, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तो पहले कौन सा गैस है, परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस लिखा हो तो कौन सा मान के चलते, दे रखा गामा 1.4, अदरवाइज एडियाबेटिक मान के मोनोएटॉमिक मान के चलते हैं। तो सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में वर्क डन कितना, इनिशियल पी भी लिखते 10^5, टेम्परेचर दे रखा, वन मोल भी दे रखा, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। फिर आ जाते हैं एडियाबेटिक का, ये आइसोथर्मल का हो गया, एडियाबेटिक का क्या लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी बाई वन माइनस गामा, है ना, एन वन है आर हो गया, टेम्परेचर कितना आ जाएगा फाइनल, तो टी प्रोपोर्शनल टू वी पावर गामा माइनस वन, यही होता है। तो कितना लिखेंगे, टी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 पावर 0.4 टी नॉट, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। तो यहाँ पे 300 कॉमन ले लो, तो ये हो गया फाइनल 1/2 पावर 0.4 माइनस 1/1 माइनस 1.4, ऐसा करके ऐड करके पता कर सकते, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसकी वजह से। 32 आइडियल गैस हैविंग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एडेड एक्सपेंड एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 5.66, टेम्परेचर फॉल टू T/2, ऑब्टेन द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एज ए फंक्शन ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में एन आर डेल्टा टी T/2 माइनस टी बाई गामा वन माइनस गामा। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 पावर गामा माइनस 1, T1 टी है ये T/2 है, V2 5.66 है वी और ये भी है गामा माइनस, इससे गामा आएगा, इसका यहाँ वैल्यू रखेंगे और एन आर टी को क्या लिख सकते पी भी, ऐसा बदल के ला सकते। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, या एडियाबेटिक इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस गामा पी। 34 फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस है अंडर वो प्रोसेस एक्स वाई जेड एक्स, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस है, डिस्क्राइब द चेंज। तो उसमें देखो एक आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का चेक करना है सिर्फ, ऐसा करके चल रहा। तो इन दोनों में इसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, ये एडियाबेटिक और ये आइसोथर्मल, ये आइसोबैरिक, पहचान सकते। 35 देखो, वन मोल ऑफ आइडियल गैस है एट इनिशियल टेम्परेचर टी डज 6 R J ऑफ वर्क एडियाबेटिकली, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक गामा दे रखा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, वर्क डन का फार्मूला क्या लिखते हैं, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा, वैल्यू रख दो यहाँ W के जगह 6 R, टेम्परेचर आ जाएगा। 36 वन मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस A to B जा रहे, पाथ ACB, ACB के थ्रू AB जा रहे, इनिशियल टेम्परेचर T0, हीट एब्जॉर्ब बाई द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ACB,
एसीबी में हीट कितना आएगा, तो देखो ए से पहले सी जाना है उसका पता करेंगे, तो क्यू ए सी कौन सा प्रोसेस है, सबसे पहले आइसोबैरिक एनसीपी डेल्टा टी, और फिर पता करेंगे क्यू सी बी उसका आ जाएगा एनसीबी डेल्टा टी, दोनों को ऐड करेंगे बनके तैयार। पी भी टेम्परेचर फॉर्म में पूछ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल दे रखा, गैस भी दे रखा, 37 आ जाओ। आइडियल गैस है टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट, डेल्टा यू कितना होता है नेट, जीरो ऑलवेज, तो सबका जो है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री प्लस क्यू फोर को ऐड करके डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर लिखेंगे, वैल्यू लिखो बचे वाला डब्ल्यू फोर आ जाएगा, बाकी सब दे भी रखा है। 38 वन मोल ऑफ मोनोटोमिक वन मोल ऑफ डायटोमिक द वैल्यू गामा फॉर द मिक्सचर, क्या लिखते हम लोग, गामा का वैल्यू एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू बाई एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू, गामा पे फोकस नहीं करने का, मोनोटोमिक दे रखा तो सी पी फाइव बाई टू आर, डायटोमिक दे रखा तो सी पी सेवन बाई टू आर, वैसे सी वी लिख के इससे पता करने का, गामा ऐसे ही दे रखा उसका कोई मतलब नहीं, नाम दे दिया ना, नहीं तो गामा दिया हो तो उससे 5/3 है तो उससे पता चल जाएगा ये मोनोएटॉमिक है। 39 पे आ जाओ, व्हेन आइडियल डायटोमिक गैस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई विद इंक्रीज इन एन इंटरनल है, क्यू बाई डेल्टा यू क्या लिखते हैं, सी पी बाई सी वी, क्यू प्रपोर्शनल टू सी पी, डेल्टा यू प्रपोर्शनल टू सी पी, ये हो गया 39। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल हाइड्रोजन एट टेम्परेचर, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी पता कर लो, एन सी वी टी वन प्लस एन टू सी वी टू टी, दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, वैल्यू रख दो आ जाएगा, ऑक्सीजन है और आर्गन, मोनोटोमिक और डायटोमिक और मोनोटोमिक। 41 स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन आइडियल गैस V1 टू V2 थ्री डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक और आइसोबैरिक, एक है आइसोथर्मल ऐसा ये वॉल्यूम फाइनल, एक आइसोबैरिक और एक एडियाबेटिक ऐसा आ गया, आसानी से पता कर सकते। 42 है मोनोटोमिक गैस है टेम्परेचर T1 इंक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन allowed to expand adiabatically to temperature T2 releasing piston L1 L2 length of gas before and after, देखो T और V में का रिलेशन पूछ रहा, T proportional to V gamma minus 1, V क्या लिखेंगे area into length, तो T1 by T2 क्या उल्टा हो जाएगा, V2 by V1 gamma minus 1 A cancel हो जाएगा, L by L1 by L2 by L1 gamma minus 1 ऐसा, गामा का वैल्यू रख सकते आसानी से। आ जाओ 43 में, गिवन प्रोसेस डी डब्ल्यू डी क्यू नेगेटिव, तो क्या होगा, डी क्यू नेगेटिव है तो डी यू भी नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कम होगा। 44 में दो एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है और दोनों में कम डिफरेंस पता करना है, तो एक है 1 और एक 2, इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका गामा ज़्यादा होगा, ज़्यादा गामा मतलब ये मोनोएटॉमिक और ये डायटोमिक, तो 1 हो गया डायटोमिक मोनोटोमिक, बी आंसर सबसे बेस्ट आंसर। 45 फिगर शो 2 पार्ट फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी रेशियो ऑफ मोलर इट कैपेसिटी पाथ 1 एंड 2, देखो 1 और 2 दो पाथ दे रखा, एक ऐसा ज़्यादा एक ऐसा ज़्यादा, तो इधर का वर्कडन कम और इसका वर्कडन ज़्यादा, तो इधर का क्यू कम इधर का क्यू ज़्यादा, ज़्यादा क्यू तो ज़्यादा मोलर हीट कैपेसिटी, सी प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो C2 greater than C1। 46 आ जाओ, क्या कह रहा, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है मोनोटोमिक साइक्लिक प्रोसेस टेम्परेचर आर डिफरेंट पॉइंट दे रखा, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द साइकिल, वर्क डन पूछ रहा, तो सबसे पहले W12 आइसोपोरिक प्रोसेस है, P प्रोपोर्शनल टू T है वॉल्यूम कांस्टेंट, W23 आइसोबैरिक है तो क्या लिखेंगे NR डेल्टा T, T3 माइनस T2, फिर W34 आइसोकोरिक 0, W41 NR T1 माइनस T4, उसका ऐड कर दो दोनों को, वैल्यू सबका टेम्परेचर दे रखा
बहुत आसानी से पता कर सकते। इधर आ जाओ 47 में, टू सैंपल ए एंड बी ऑफ गैस इनिशियली ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंप्रेस फ्रॉम वॉल्यूम बी टू वॉल्यूम बी वाई टू, एज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड बी एडियाबेटिकली, द फाइनल प्रेशर, दोनों को कंप्रेस कर रहे हैं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे तो आइसोथर्मल में पी प्रोपोर्शनल टू वन बाई भी कितना के हाफ मतलब टू टाइम्स, एडियाबेटिक में क्या होता पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी पावर गामा, ऐसा तो वन अपॉन हाफ पावर गामा टू पावर गामा टाइम्स, मतलब कौन ज़्यादा होगा एडियाबेटिक ज़्यादा होगा आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में, करेक्ट है। 48 इंडिकेटर डायग्राम मतलब पीवी डायग्राम, चार डिफरेंट प्रोसेस दे रखा है उसको मैच करना है कि नहीं, कौन सा आइसोथर्मल एडियाबेटिक, सिंपल है ना, ये वाला कौन सा हो गया आइसोबैरिक, ये आइसोकोरिक, एक दो ऐसा लाइन है तो ऊपर वाला आइसोथर्मल नीचे वाला एडियाबेटिक। 49 पे आ जाओ, सिस्टम 400 कैलोरी ऑफ हीट 1000 जूल है वर्क डन बाय द सिस्टम है, चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू, बस क्यू को क्या करना है 400 × 4.2 लिखना होगा, जूल में बदलना होगा पहले तब आ जाएगा। 50 डायग्राम दे रखा है, आइडियल थर्मोडाइनमिक्स गैस सिस्टम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग पाथ ए सी बी इज 10, ए सी बी में 10 हो गया एंड अलोंग बी डी ए, बी डी ए विल बी, तो कितना होगा पाथ ऐसा दे रखा है, अब कोई इस रास्ते से जाए यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, तो जितना हुआ इस रास्ते से भी उतना ही होगा, लेकिन उल्टा आ रहे तो क्या होगा नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट सो इट इज माइनस 10 है, ये हो गया इसके सॉल्यूशन। ओके, इसमें भी कोई डाउट वगैरह रहे तो बाद में पूछ सकते हैं। ओके बाय।